सर्दी के इस सुहाने मौसम में आज हम बनाएंगे गुड़ की मीठी सेवई। अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप 10 मिनट में ये मीठी सेवई बना सकते हैं। स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये काफ़ी हेल्दी भी है क्योंकि इसे हमने गुड़ से बनाया है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई को गैस पर रखें और इसमें 3 टेबल स्पून देसी घी डाल लें। ये मैंने 10 काजू, 10 बादाम और 1 टेबल स्पून किशमिश ली है। घी मेल्ट होने पर हम अपने ड्राई फ्रूट को घी में डालकर इन्हें हल्का सा क्रंची होने तक तल लेंगे। 1 मिनट में ही हमारे काजू, बादाम और किशमिश अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को बिना भुने भी डाल सकते हैं, लेकिन भून कर डालने से इनमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने 1 कप वर्मासिली ली है। बाकी के बचे हुए घी में हम वर्मासिली डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे। इसका गोल्डन कलर होने तक हम इसे भून लेंगे। गैस की आंच को मीडियम टू लो ही रखें। सर्दी के सुहाने मौसम में ये मीठी सेवइयाँ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी इन्हें बहुत शौक से खाते हैं। हमारे सेवइयों पर बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। हमारे सेवइयाँ अच्छे से भुन गई हैं। अब गैस को बंद कर दें और सेवइयों को एक प्लेट में निकाल लें। बाकी के बचे हुए घी में हम 2 छोटी इलायची को क्रश करके डाल देंगे और अब इसमें पानी डाल लें। 1 कप वर्मासली में हम 2.5 कप पानी डालेंगे और ये रहा 1/2 कप। आप इस मेजरमेंट को ध्यान में रख के अगर मीठी सेवई बनाएंगे तो आपकी मीठी सेवई एकदम परफेक्ट बनेगी। अब हम इसमें 1/2 कप शक्कर डाल देंगे। आप चाहें तो शक्कर की जगह गुड़ या चीनी भी डाल सकते हैं और इसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 1/4 कप चीनी डाल लें। अब हम इसे 1 उबाल आने तक पका लेंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें वर्मासली डाल लेंगे। वर्मासली डालकर चलाते हुए अच्छे से मिला लें। 1 उबाल आने पर हम कढ़ाई को ढक देंगे और गैस को मीडियम टू लो करके 2 से 3 मिनट पका लेंगे। 3 मिनट बाद हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालकर चलाते हुए अच्छे से मिला लें। गैस की आंच को मीडियम कर लें। अब इसे ढककर 2 मिनट और पका लें। 2 मिनट बाद हम इसे चलाते हुए मिला लेंगे। सेवइयों का सारा पानी खुशक हो गया है और हमारी सेवइयाँ भी गल गई हैं। अब हम इसे चलाते हुए 1 मिनट और पका लेंगे। अगर आप भी ये सेवई अपने घर वालों को बनाकर खिलाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगी। हमारी सेवई अच्छे से पक गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अपनी सेवइयों को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। गर्मा गर्म सेवइयों को हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे बाकी के बचे हुए काजू, बादाम और किशमिश से गार्निश कर लेंगे। गर्मा गर्म सेवइयाँ खाने के लिए एकदम तैयार है। ये देखिए 10 मिनट में हमारी कितनी अच्छी मीठी सेवई बनकर तैयार है। आप खुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। सभी को बहुत पसंद आएंगी।